पहले क्या है, ये जब सोता था ना तो आंखें चिपक जाती थी उठता था जब, बट अभी वो चिपकने वाला प्रॉब्लम तो खत्म होगी, बट रेड रेड रहती जब ये उठता है। अभी भी देखो थोड़ी थोड़ी सी आपको रेड दिखेगी साइड से। और मेरा ब्लॉग जो है कल वाला, वो मैंने अपलोड कर दिया और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना उस ब्लॉग के ऊपर। उसमें मन्नू का एक इतना शानदार डांस था सपना चौधरी के गाने पे, उस पर कॉपीराइट आ गया। सुबह करता है, उठता है। तो फाइनली ये वो चीज है जिसके 3 दिन से ब्लॉग में जिक्र हो रहा है, इसे बोलते हैं मीडिया मोड। इसके अंदर गोप्रो लग जाता है और यहाँ जो एक जगह है ये, हेलो हेलो, ये चालू हो गया, दिख रही है लाइन है, बस इसी का वेट कर रहा था मैं। एक ये और प्रॉब्लम है, पता नहीं इसकी वजह से कितना रोड ब्लॉक हो रहा है मेरे वीडियो में। अगर ये बहुत ज़्यादा कवर कर रहा होगा तो 100% मैं इसको हटा दूंगा इस वाली राइड पे। सो फाइनली ये हाईवे आ गया हमारा 12 हाईवे। वैसे 12 इस साइड है मेरे पीछे बैक साइड में, पर मैं इस साइड जाऊँगा। एक खुला रास्ता दिख रहा है और कितना प्यारा सनसेट होने वाला है, देखो आप गोप्रो में। मैं उम्मीद करूँ कि बहुत प्यारा दिख रहा होगा सूरज। अरे यही तो जलवे यात्रीगणों को वापस से छोड़ा जा रहा है अपने अपने गंतव्य स्थान। कल तो गजब ही होगी बाकी, कल रात मस्त रेस हुई थी ना अपनी यार, मजेदार थी ना वो। कल हमने इसी तगड़ी रेस लगाई थी कारों से, जिया जी भगाए फिर मैं भगाऊं। तगड़ी रेस हुई थी है ना चीकू, चीकू भी हंस रहा था पीछे से ई ई करके। आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो, नीचे नहीं गिर जाए बस बस, अब घुमा लो। आन दो घुमाओ 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 बस घुमाओ। वो आया, उसको याद ही है भाई, ये वो बुआ जा रही तेरी, बाय तो कर दे। चलो फिर से बाय बाय, एक बार फिर से मिलते हैं 15-14 दिन बाद। पिछली बार बता 15 दिन बाद, 14 दिन हो गए। बोलो बाय। अच्छा तू यहीं रहेगा क्या? वो अल्लाह चिंपुड़ी अंदर चली गई, चिंपू को ले जाओ हमारे। चिंपू बाय 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 चिंपू। मनु चिंपू गया यार, मनु मनु अपना चीकू ले गए वो बुआ। अब क्या करें, अब रुक। अभी चीकू को ले जाते पुपा जी, ये आंखें लाल हो रही है नींद में। चलो बाय 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 गंजू, बाय कर दे मनु, मनु बाय करो बाय करो बाय करो बाय बाय। तो फाइनली दीदी जिया जी जो है वो वापस से जा चुके हैं अपने ससुराल, वो सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। और कल का प्रोग्राम बहुत ही मजा आया, मस्त मजे किए सबने। और रात में जो कारें हमने दौड़ाई है उसमें तो बहुत ही मजा आया। खैर उसके बाद दीदी जिया जी वापस से निकल गए अपने वापस से ससुराल में, क्योंकि जो कल शादी अटेंड किया और एक दो दिन में जो आप शादियाँ देख रहे हैं हमारे, लगन हल्दी ये सारा प्रोग्राम वो उन्हीं अंकल का है, वो हमारे रिलेशन में ही है। तो उस शादी को अटेंड करना जरूरी था इसलिए वो गए। और 12 में भी शादी थी एक दिन पहले, इसलिए वो पहले 12 गए, देन सुबह फिर कोट आए और अब वापस से 12 चले गए। अब वो रुकेंगे 13-14 दिन। और अभी मैं और मन्नू जो है दोनों जा रहे हैं डॉक्टर के। क्यों जा रहे हैं मन्नू? आपके नोज के लिए, आईज के लिए, दिखाना अभी इसके ना। वैसे अभी तो ठीक है आईज, बट दिक्कत क्या हो रही है, पहले क्या है ये जब सोता था ना तो आंखें चिपक जाती थी उठता था जब, बट अभी वो चिपकने वाला प्रॉब्लम तो खत्म होगी, बट रेड रेड रहती जब ये उठता है। अभी भी देखो थोड़ी थोड़ी सी आपको रेड दिखेगी साइड से, दिखाना बेटा ये। तो इस चीज को दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ। चले चले पच्ची, चलो पच्ची चलो। और आज संडे भी है तो आज फुल डे ब्लॉग होगा। और मेरा ब्लॉग जो है कल वाला, वो मैंने अपलोड कर दिया और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना उस ब्लॉग के ऊपर। उसमें मन्नू का एक इतना शानदार डांस था सपना चौधरी के गाने पे, उस पर कॉपीराइट आ गया। अब वो कॉपीराइट आ गया तो पूरा सेगमेंट मुझे हटाना पड़ा, तो मन्नू का वो वाला डांस पूरा चला गया वो गाने के साथ, हट गया वो तो पूरा। तो उसको हटवा के उस वाले चीज को हटाया, उस वाली चीज को पूरी हटाइए। अब वापस अपलोड करके आया हूँ, अभी वो अपलोड हो जाएगा जब तक हम डॉक्टर के दिखा के आएंगे। तो ये कुछ थी बात, तो चलिए चलते हैं अब डॉक्टर के। आ जाओ फटाफट, आ जाओ गोदी आ जाओ। देख के बेटा आ जाओ, चल। इसके अंकल है ना 3-4 दिन पहले ना आंखें आ गई थी, मतलब चिपक जाती ना, वो कुछ हुआ था
तो दो वो आई ड्रॉप थी वो डाली, उससे सही गया, पर अभी भी सुबह उठता ना तो लाल रहती है इसकी आँखें। सुबह करता है उठता है, वेट करते हैं तेरा, चल चढ़ जाए इसको। 14.5 बेटा, वो तो गर्म तो रहेगी गाड़ी यार, अब क्या कर सकता हूँ बता, कुछ भी क्या करूँ, थोड़ी सी एसी चल रहा है बेटा, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार ठंडी होने। क्या हुआ, तो चड्डा पहन के क्यों चड्डा पहन के क्यों आया, फुल पेंट पहनता ना, गर्म तो लगेगा वो यार। और अभी जस्ट मन्नू को दिखा लिया हमने, और इस बार हमने होम्योपैथिक से इलाज चालू करवाया है, देखते हैं शायद कुछ असर कर जाए। वही इसके एक तो फिर से टॉन्सन हो गए, और आईज में वो हुआ जो तो है ही, तो ये दोनों का इस बार मैंने देखा होम्योपैथिक से शायद कुछ और असर पड़े, कहते कि अच्छी होती है, तो वो वाला सीन है। दूसरा एक और चीज़, जैसे अभी मैं जब डॉक्टर को दिखा रहा था तो मेरे पास कॉल आया हमारे अनु भाई का, जिनका मैं 2-3 दिन से ब्लॉग में जिक्र कर रहा हूँ, और जिनसे मैं मिलने भी गया था, जिसकी आपको पता ही होगा, अब तो 3 बार मिल चुके हम उनसे एज ए ब्लॉग के थ्रू, कि उनसे मुझे मीडिया मोड लेना था गोप्रो का, तो अभी जस्ट कॉल आया उनका मेरे पास कि राहुल भैया एक काम करो, मैंने बाहर निकाल के रख दिया, आपको जब चाहिए जब ले जाना, तो मैंने कहा मैं आ ही रहा हूँ फिर, तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ के लिए मैं 3-4 दिन से उनके पास जा रहा हूँ, चलिए चलते हैं उनके पास एक बार। 2 मिनट आप यहाँ बैठो, मैं उस घर से होकर आ रहा हूँ सामने वाले, ठीक है ना, कहीं जाना नहीं, आ रहा हूँ मैं, चलो लेके आते हैं एक बार। A few moments later. तो फाइनली ये वो चीज़ है जिसके 3 दिन से ब्लॉग में जिक्र हो रहा है, इसे बोलते हैं मीडिया मोड, इसके अंदर गोप्रो लग जाता है, और यहाँ जो एक जगह है ये यहाँ पे माइक लगता है, तो इसकी चीज इसी की वजह से आप मोटो ब्लॉग कर सकते हो गोप्रो से। तो ये लेने के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, इनको टाइम नहीं मिल रहा था, कभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आगे पीछे हो रहा था सारा काम, पर फाइनली सारा कुछ सेट हो गया। अब आज जो है वो दिन है जब हम इस गोप्रो को आज या कल जब भी, अब तो अपने पास ही रहेगा 2-4 दिन, जब तक इसे ट्राई कर लेंगे आराम से, फिर अगर लगा कि हमारा गोप्रो बढ़िया वर्क कर रहा है, सारे कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम इसे ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि ये अकेला इतनी सी चीज़ 7,000 ही आती है, दिक्कत वो है, इसलिए मैं बस टेस्ट करना चाह रहा था कि इससे सही से काम हो जाएगा या नहीं, अगर नहीं होगा तो मेरे को सेल करना पड़ता गोप्रो, और अगर हो गया तो बस मैं खुद ही रख लूँगा इसे, और उसके साथ फिर बैटरीज जो है वो भी ऑर्डर कर देंगे, तो कुल मिलाकर 10-12 हज़ार का जूता घूमने वाला है मेरे, तो खैर चलते हैं, चले मन्नू। सो फाइनली ये लेकर के आ गए हम हमारा मीडिया मोड, अब इसको फिट करते हैं अपने इस वाले गोप्रो में, और फिर फिट करेंगे हमारे इसके अंदर, चलिए चालू करते हैं एक बार को। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इस गोप्रो की ये वाला जो है इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटाते हैं, ये कुछ है, इसको एक बार को यहाँ से ये पूरा रिमूव होएगा, ये तो इसको हटाते हैं एक बार, ये लो ये हट गया पूरा, तो ये कुछ ऐसे फिट हो गया, चलो और ये एलॉक, तो इसके अंदर आना चाहिए सिग्नल वगैरह कुछ तो। हेलो हेलो, ये चालू हो गया, दिख रही है लाइनें, बस इसी का वेट कर रहा था मैं। अब इसके इस वाले पोर्ट में अपना माइक जैक लगेगा हेलमेट में जो है ये वाला, अब इसको भी फिट करते हैं एक बार, ये सब कुछ सेट होएगा इसके अंदर, और ये माइक वाला पोर्ट है, ये माइक पोर्ट इसमें जाएगा, देख ये लो ये हो गया फिट। चलो एक बार इसको चला के देखें, जब पता चलेगा। मिट्टी की सी बदबू आ रही है इस हेलमेट में से, इस बेचारे हेलमेट ने इतनी सारी राइडें करवा दी मेरी, खतरनाक। अब इसका टाइम है चेंज करने का, बाकी देखो कितने दिनों में चेंज होता है, कौन सा हेलमेट आता है। और ये है हमारा आज फाइनली मीडिया मोड के थ्रू टेस्टिंग हो रही है, अभी उसको हाईवे पे लेके जाता हूँ, फिर वहाँ पे जब भगाऊंगा ना तब पता चलेगा कि वाकई में कोई मतलब का हैवी की नहीं है मीडिया मोड, या मीडिया मोड तो सही है क्योंकि जिससे मैं लेके आया हूँ वो उसके तो काम कर ही रहा है, जाहिर सी बात है, ये मेरे गोप्रो में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बस ये है, अगर ये काम कर रहा है अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर बस मुझे इसकी बैटरीज और क्या बोलते हैं मीडिया मोड, ये दोनों ऑर्डर करने हैं ऑनलाइन, जो कि अराउंड मुझे पड़ेंगे 7-8-9-10 हज़ार का जूता है ये। अच्छा गोप्रो में मैं क्यों स्विच कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इससे पहले मेरे पास DJI का जो एक्शन कैमरा था,
सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था उसकी ये थी कि बहुत तेज चलने पे 100 या 120 के आसपास जब मैं इसको चलाता था बाइक को, तो मेरी आवाज़ दब जाती थी और सिर्फ ओनली और ओनली विंड की आवाज़ आती थी, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। और कहा जाता है कि GoPro के अंदर एक इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है या सेटिंग है, कुछ भी बोल लो उसे, उसके अंदर अगर आप गाड़ी को भगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली, ये जिससे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये विंड को बिल्कुल जीरो कर देता है और आपकी आवाज़ को क्रिस्टल क्लियर करता है। तो एक वो चीज़ भी चेक हो जाएगी अभी के अभी। अब इसमें ना दो तीन चीज़ें काम आती है, पहली की हेलमेट कैसा है कि हेलमेट के अंदर ही इसे अगर हवा घुस रही है तो अब तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट वो माइक पे आके गिर रही होगी। बाकी अभी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि हेलमेट तो मेरे पास वही है जिससे मैं DJI भी यूज़ करता हूँ और अभी GoPro भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अभी इस साइड जाऊँ, क्योंकि क्या मेन मेरा यही है, एक तो फुटेजेस अच्छे आ जाए इससे, दूसरा सबसे मेन कि मेरी वॉइस आ जाए बस 100-120 किलोमीटर की स्पीड पे, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि हाईवे पे चलते तो 100-110-120 तो हमारे बहुत नॉर्मल सी स्पीड होती है, और उस टाइम अगर मैं वो कुछ बोल रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर कोई सेंस नहीं, जीरो है इसका मतलब। एक ये और प्रॉब्लम है, पता नहीं इसकी वजह से कितना रोड ब्लॉक हो रहा है मेरे वीडियो में, अगर ये बहुत ज़्यादा कवर कर रहा होगा तो 100% मैं इसको हटा दूंगा इस वाली राइड पे। मैं नॉर्मली यहाँ भी इतनी भीड़ है यार, धत तेरी की, मुझे लगा ये खाली मिलेगा सारा रोड। सो फाइनली ये हाईवे आ गया हमारा 12 हाईवे, वैसे 12 इस साइड है मेरे पीछे बैक साइड में, पर मैं इस साइड जाऊँगा, एक खुला रास्ता दिख रहा है और कितना प्यारा सनसेट होने वाला है देखो आप GoPro में। मैं उम्मीद करूँ कि बहुत प्यारा दिख रहा होगा सूरज। बाकी अब इसकी असली टेस्टिंग होने वाली है, तीसरा गियर 60, पांचवा गियर 70 और ये 80 पे आ चुकी है गाड़ी। इस पे अगर मैं चलाता हूँ ना मेरे DJI को तो बहुत बुरी आवाज़ आती है, मतलब इसकी हवा की। अब इससे ऊपर चलाना है मुझे, क्योंकि चंडीगढ़ हाईवे पे जब हम चलते हैं तो वहाँ पे तो 100 की स्पीड भी इतनी कम लगने लग जाती है कि यार क्या ही टाइम पास कर रहे हैं सब घर के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से चला रहा हूँ गाड़ी भी, और एक मीटिंग और रखी गई है आज। यहाँ चाय की थोड़ी नहीं है क्या यार, बैठ के चाय वाय पीता मस्त सनसेट को देखते हुए। खैर एक मीटिंग और रखी गई है आज रिगार्डिंग वही हमारी राइड को लेकर के, तो उसमें भी मुझे जाना पड़ेगा, एक राउंड और खींच ही लेते हैं। चलो देखते हैं कितनी स्पीड। ये पांचवा गियर 80-90, ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे हो सकता है शायद आपको पकाऊ सा लगने लग जाए कि क्या दिखा रहा है ब्लॉग में, गाड़ी भगा रहा है, आवाज़ें चेक कर रहा है, हो सकता है, बट ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेरे नेक्स्ट राइड के लिए, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। 1269 शानदार सनसेट, और इसकी एक सबसे अच्छी खासियत जो है GoPro में, तो सबसे अच्छी चीज़ एक और जो है वो ये कि इसके अंदर ना जैसे अभी मैं ऑफ करूंगा या ऑन करूंगा तो इतनी तेज आवाज़ आती है स्टार्ट होने की और ऑफ होने की, तो स्टार्ट हुआ या बंद हुआ, नहीं तो मेरे उस वाले पुराने वाले में थोड़ी धीरे आती थी, उसमें कई बार फुटेज चालू रह जाता था तो घंटों तक फुटेज बिना मतलब के रिकॉर्ड हो जाता था, बैटरी ख़त्म हो जाती थी मेरी, उसमें भी बड़े पंगे होते थे। तो खैर तो ये था कुछ, सूरज कितना सा दिख रहा है वो, इतना सा बिल्कुल चिन्नी सा, वो टंकी के पीछे छुप गया। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। बना लो इसको फटाफट बना लो, फिर सोएंगे बेटा। देखो वापस से 11 बज गई, पापा कल सुबह जल्दी और जाना है, तो अभी जस्ट बाइक वगैरह चला के आए, और इसके बीच में बाइक चलाने के बाद जो मैंने टेस्ट किया था उसके बाद मेरे दोस्तों के पास गया, वहाँ पे हमने काफ़ी देर करीबन कितने 2-2.5 घंटे बीटिंग करी बैठ करके नेक्स्ट राइड को लेकर के। देन उसके बाद अभी जस्ट घर आया, और घर आते ही मन्नू जो है हमारा ब्लॉक्स बिगाड़ करके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या बनाना चाहता है भगवान जाने, क्या कर रहा है यार। जो लोग फटाफट जो लो बेटा, रोज लेट हो जाते हैं फिर स्कूल जाने में भी नाटक करते हो यार आप। बाकी आज इतने दिनों बाद हाईवे पे बाइक चलाने इतना मज़ा आया, वो भी शाम के टाइम एकदम मस्त मज़ा आ गया, अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद, अच्छा लगा है। ये कुछ था आज का ब्लॉग। अरे भैया नहीं माने तो धीरे चला दे, न तो दोनों के पास हेलमेट है, गिरेगा तो मुंह टूट जाएगा।
ऐसा जा रहा कबूतर बन गया।